नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष एजुकेशन समाचार पर। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, 48,000 पदों पर जो भर्ती हुई है उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। दोस्तों आइए उस ऑफिशियल आंसर की के बारे में और उससे संबंधित जो आपत्ति वाले प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप में चर्चा करने वाले हैं। बने रहे हैं हमारे साथ, वीडियो के अंत तक आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप सभी प्रकार की एजुकेशनल न्यूज, रोजगार समाचार, विभागीय योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकेंड की जो ऑफिशियल आंसर की विभाग के द्वारा जारी की गई है उसके अनुसार जो हैं, और इसके अलावा जो अधिकतर कोचिंग क्लासेज ने जिन प्रश्नों के उत्तर सही माने थे और विभाग ने उन प्रश्नों के उत्तर गलत माने हैं, तो उनसे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो या तो डिलीट किए जा सकते हैं या फिर उन पर बोनस मिल सकता है या फिर उन पर हम आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे ही प्रश्नों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। बने रहे हमारे साथ, वीडियो के अंत तक आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, ऑथेंटिक प्रूफ आपको दिया जाएगा कि आप किस किस प्रश्न पर जो है आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आपका समय ज़्यादा न गंवाते हुए। जी हाँ, रीट की परीक्षा की जो ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है ये आपको सबको विदित है। ये इसके बाद आप सभी उम्मीदवार ऑफिशियल आंसर की में बोर्ड द्वारा जो उत्तर अलग माने गए हैं, जी हाँ, विभाग ने जो उत्तर अलग माने हैं उन पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें इस पर आपत्ति दर्ज कराने की जो लास्ट डेट है वो कल, जी हाँ, 22 मार्च रखी गई है। तो आप इससे संबंधित भी आपको महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाएंगे इस वीडियो में कि आप किस प्रकार से आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, उसकी शुल्क या फीस कितनी लगेगी, इससे संबंधित भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कौन कौन से प्रश्नों पर आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं उनसे संबंधित जो है इस वीडियो में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। चलिए ले चलते हैं आपको आपत्ति वाले प्रश्नों की ओर। इससे पहले आपको इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। रीट परीक्षा कोड विषयवार, जैसे साइंस और मैथ की अगर बात करें तो 137, सोशल स्टडी 138, हिंदी 139, संस्कृत 140, इंग्लिश 141, उर्दू 142, पंजाबी 143 और सिंधी 144। इनके मास्टर प्रश्न पत्र और इनकी जो ऑफिशियल आंसर की है बोर्ड की वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं, www.rsmsb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। तो यहां से आप इनके द्वारा अपलोड किया गया प्रश्न पत्र और आंसर की लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की यहां से निकाल सकते हैं। चलिए ले चलते हैं अगली जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्देशों की ओर। यदि किसी परीक्षार्थी को किसी भी प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी प्रश्न या उनके उत्तर से संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क जो है 100 रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा जो GST या सर्विस चार्ज है वो अलग से दिए हैं। आप 22 मार्च 2023 तक इससे संबंधित जो है अपनी आपत्ति बोर्ड की ऑनलाइन जो वेबसाइट दी हुई है उस पर आप दर्ज करवा सकते हैं। चलिए ले चलते हैं अब आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में कि कौन कौन से प्रश्नों पर हम इस जो है आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ, SSOID के माध्यम से देय शुल्क या ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर है जो है जितने प्रश्न हैं आपके आपत्ति लायक उन पर जो है आपत्ति दर्ज आप करवा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न ₹100 रखे गए हैं। जी हाँ, ये GST और सर्विस चार्ज को काट करके बताए गए हैं। GST और सर्विस चार्ज आपका अलग से दे होगा। 22 मार्च लास्ट डेट है इसकी। चलिए ले चलते हैं अब आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो है दिशा निर्देश और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण इन प्रश्नों पर कि आप कौन कौन से प्रश्न पर जो है आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों बताना चाहेंगे आपको आपत्ति दर्ज करवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक प्रश्न पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या, जी हाँ, जिस प्रश्न पर आप आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की जो है क्रम संख्या सीरियल नंबर आपको लिखना जरूरी है और उसको अपलोड करना होगा। उसके अलावा पुस्तक का नाम, लेखक या लेखिका या लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना इसके लिए आवश्यक है।
वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपकी जो है आपत्तियों पर विचार विभाग नहीं कर पाएगा। ले चलते हैं आपत्ति दर्ज करवाने वाले योग्य प्रश्न। जी हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अवगत करवाना चाहेंगे कि आप यदि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की जो संस्कृत विभाग की ओर से भर्ती की घोषणा हुई है उसे संबंधित यदि जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इससे संबंधित वीडियो उपलब्ध है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की, जी हाँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की ऑफिशियल आंसर की 4 विषयों की जारी हो चुकी है, उससे संबंधित जानकारी के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में जानकारी दी गई है आप ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपत्ति दर्ज करवाने वाले योग्य प्रश्न। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर हम आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं, पद्मश्री। जी हाँ, ट्यूशन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज अलग अलग है और जिसमें चारों ही ऑप्शन सही आ रहे हैं, अतः यह जो प्रश्न है डिलीट होने योग्य है। जी दोस्तों, पद्मश्री वाला जो क्वेश्चन था इससे संबंधित हम बात कर रहे हैं। ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बने रहे हमारे साथ। आपको इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जिन पर ऑब्जेक्शन अपन लगा सकते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवरसेन क्वेश्चन, ये हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है, जिसमें कि 1958 ऑप्शन सही है, अतः यह क्वेश्चन भी डिलीट होने योग्य है। कवरसेन वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शिक्षक के पद 4 अथवा 5 क्वेश्चन की तकनीकी गलती की वजह से क्वेश्चन जो है डिलीट होने योग्य हैं, इस पर भी आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं यदि आपको उचित लगता हो तो। ले चलते अगले प्रश्न की ओर, धार्मिक स्थान क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन ही सही हैं, अतः इसलिए यह प्रश्न भी डिलीट होने योग्य हैं। आपत्ति आप इस पर दर्ज करवा सकते हैं जैसा आपको उचित लगे उस अनुसार। पांचवें प्रश्न की बात कर रहे हैं, खोज उपागम क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए यह प्रश्न भी डिलीट होने योग्य हैं, या इस पर भी बोनस अंक दिया जा सकता है, इस पर आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर एक शब्द तालिका में रखा क्वेश्चन के चारों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है डिलीट योग्य हैं। जी हाँ, कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न था इसमें चारों ही ऑप्शन जो है सही लग रहे हैं, तो यह प्रश्न भी डिलीट की श्रेणी में है। ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत गौरव रेल से संबंधित जो प्रश्न है यह भी डिलीट की श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन, बिंदु अथवा प्रतिशत विधि। जी हाँ, यह प्रश्न है वो भी डिलीट की श्रेणी में है, आप आपत्ति अपने अनुकूल लगा सकते हैं यदि आपको उचित लगता हो तो। जी हाँ, आठवां प्रश्न, मार्गदर्शक अनुदेशक इसे संबंधित जो है लगा सकते हैं आप ऑब्जेक्शन या आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्पादों की मांग पर सकल घरेलू उत्पाद लेवल सेकंड का क्वेश्चन है ये, उस पर आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 2022 में भारत मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला स्थान, यह भी लेवल सेकंड का प्रश्न है जो कि बोनस योग्य है। जी हाँ, इस पर भी आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं यदि आपको उचित लगता हो तो। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ डाउटफुल क्वेश्चन जिस पर हम आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों बताना चाहेंगे, यदि आपको किसी भी प्रश्न से संबंधित आपत्ति दर्ज करवानी है तो ऑथेंटिक प्रूफ के तहत आपको प्रत्येक प्रश्न पर रोल नंबर, संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या, पुस्तक का नाम, लेखक अथवा लेखिका या लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या लिखा जाना आवश्यक है। यदि इनमें से आप एक भी जो है छोड़ते हो तो विभाग उस प्रश्न की आपत्ति पर जो है विचार नहीं कर पाएगा। तो ये थे इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश, और फिर से बताना चाहेंगे लास्ट डेट 22 मार्च रखी गई है, आपत्ति से संबंधित ऑब्जेक्शन आप लगवा सकते हैं जैसा भी आपको उचित लगता है। इन प्रश्नों के अलावा यदि आपको लगता है कि यह प्रश्न है जो इस पर भी हम आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, इसमें भी जो है बोनस अंक मिल सकता है या फिर ये डिलीट किया जा सकता है, तो उस पर भी आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ, पर क्वेश्चन या आंसर 100 रुपये रखे गए हैं विभाग की ओर से। इसके अलावा यदि आपको दोस्तों लगता है कि अन्य प्रश्न है जो डिलीट किए जा सकते हैं या पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।
इसी प्रकार की एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, विभागीय योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी और आगे आने वाली भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट्स और आंसर की से संबंधित सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।